this question is from mr. khaja kalimuddin from pennsylvania. mulana saab, how can a muslim who has been doing dawa work and has been distributing quran can kill 13 people at one time? how could he not think that he is not killing unbelievers but killing very dawa work in the country? kindly comment on this. हाँ ये आज मैंने भी ये खबर पढ़ी अखबार में टीवी में तो कल ही आ चुकी थी आ चुकी थी ये खबर असल मसला यह है कि इस जमाने के मुसलमान जो हैं वो सब का सब नफ़रत में जी रहे हैं सब हेट में जी रहे हैं कोई अगर बधाई दिखाई पड़ता है यानी अलग तो वो कुरेदी उसको स्क्रूटनी तो मतलब अंदर पुसके, उसके उसके अंदर हेड था तो जिन लोगों को आपको दावत पहुँचाना है उनसे आप हेड करें तो ये करेंगे आप मारेंगे उनको काटेंगे अभी हमारे एक साथी बता रहे थे किसी से उन्होंने दावत की की तो वो पैसे वाले थे उनका क्या आप बात करते हैं ये, ये काफिर लोग तो खुदा ने उनको जानने में, में डालने के लिए पैदा किया है यानी वो इस तरह बातें करें जैसे जन्नत हमारे लिए बाकी सब लोग जहाँ जहां में जाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कलमा पढ़ लेने से जन्नत मिलती है ये इसकी जड़ में है कलमा गो के लिए जन्नत है ये कॉन्सेप्ट है कलमा गो के लिए जन्नत है कलमा रिसाइड करते हैं आप तो बस जन्नत आपकी प्रिजर्व हो गई ये बिल्कुल बेसलेस बात है जो कलमा को डिस्कवर करे जो कलमा की स्प्रिट अपने अंदर उतारे जो कलमा वाला बिहेवियर पैदा करे अपने अंदर उसके लिए जन्नत है तो इसके जिम्मेदार सच पूछे बोलो लोग नहीं जिन्होंने कि बम्बारा और तेरह आदमी मर गए और तीस जख्मी हुए उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं वो राइटर्स हैं वो स्पीकर्स हैं जिन्होंने पूरी पूरी नस्ल जो मुसलमानों की है उसको बताया कि दुनिया हमारे खिलाफ़ कॉन्सपेरेंसी कर रही है दुनिया हमारे दुश्मन है दुनिया पर है तो सब के दिमाग ही भरा हुआ है और ये हदीस में ये चीज़ आई है कि एक जमाना आएगा जबकि जबकि खतीब लोग जो हैं वो लोगों के लीडर बन जाएंगे असर सारून कुरान। आया कुरान पे हदीस में असर सारून खूब बोलने वाले खूब ऑरट्री दिखाने वाले रेबल राउजर तो आजकल यही है कल मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि एक अरब शायर का शेर है कैजा कानल गुराब रईस कौमिन से अधी ही मिला दारबारी कौवा जब किसी कौम का लीडर बन जाए तो खड़ भी कराएगा वो तो वह गुराब की जगह ख़तीब लिख दीजिए कॉल खतियब हो रही सफ़ा में से अधी मेरा दारिफ़ हो रही खतीब लोग जब ऑडिटर लोग जब हैं। वो लीडर लीडर बन जाए तो ले आएंगे खट में गिराएंगे गढ़े में गिराएंगे मैं जिस किताब को पढ़ता हूँ जिस मैगजीन को पढ़ता हूँ मुसमानों की सब मैं कहीं ना कहीं यही भर रहता कि दुनिया हमारे दुश्मन है हमारे खिलाफ कॉन्सपर्सी हो रही है तो देखिए दावत का दावत का जो इंसेंटिव है वो है मोहब्बत खैखाई कंपैशन वेल विशिंग एक साहब से बात हो रही थी उनका कि आप दावत का अगर कर, दावत तो सब करते हैं सारे मुसलमान दावत करते हैं मैंने कहा कि दावत के अल्फाज बोलते हैं तो मैंने कहा कि सबसे पहले मधुर मोहब्बत करना पड़ता है उसके बाद दावत का आगाज़ होता है इंसान से मोहब्बत करना पड़ता है तब दावत शुरू होती है तो कल के मुसलमानों में इंसान से मोहब्बत नहीं इंसान से मोहब्बत नहीं अभी मैं किसी से बात कर रहा था मैंने कहा इंडिया में साठ बरस की तारीख जो है आज़ादी के बाद की हज़ारों हज़ार इज्तम हुए हैं होते रहते हैं बराबर कभी एक भी मुसलमान बताया मुझे जो इंसान को लेकर हुआ हो मुस्लिम प्रॉब्लम को लेकर होता है जितने मुसलमानों के इज्तम गैदरिंग कॉन्फ्रेंस होते हैं मुसलमानों के सब के सब होते हैं मुस्लिम प्रॉब्लम को लेकर मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए एक भी बता दिए साठ बरस के अंदर कि इंसान को लेकर मुसलमानों ने कोई कॉन्फ्रेंस की हो क्यों इंसान से मोहब्बत है उनको इंसान इंसान को डाल रखा पेश करूँ ने जहन्नम में पर अब हमारा काम यह है कि हम लोगों के अंदर लोगों के सोच को बदलें और लोगों के अंदर इंसान के बारे में में खैरखाई का जज्बा पैदा करें लोगों को इंसान का नाशे बनाए नाशने बना खरखा तो खैरखाई उठ गई है इसे दावत भी उठ गई देखिए कुरान में एक एक इंसान को मारना एक 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 मुस्लिम को मारना देखिए कुरान में दो आयतें हैं एक ये है मन कतल मोमिन बतामबिन फैज़ा जहन्नम जो आदमी किसी मोमिन को मारे मारेगा जानबूझ करके वो जहन्नम में जाएगा कि तेरा आदमी जो मारे गए वो सब सबके मुसमान थे तो जहन्नम डरते नहीं है दूसरी आयत है कि मन कतल नफसम बगैर नफसिन फ़कर्न वतर नमिया एक इंसान को अगर तुमने मारा एक इनसेंट माइंड को इनसेंट शख्स को तो तुमने गुआ कि सारे इंसानों को मार डाला तो कुरान की आयतें जो हैं अगर आपके ज़हन में हों तो आप किसी को मार सकते हैं तो इस जमाने में इस्लाम का और दीन का चर्चा बहुत है कुरान का चर्चा बहुत है लेकिन क़ुरान की स्पिरिट है कुरान की टीचिंग है उससे बिल्कुल दूर हो चुके हैं। हदीस बताए कि वम जब कमर कुरान ला रसम यानी कुरान का जो स्क्रिप्ट बाकी रहेगा स्क्रिप्ट और कुछ नहीं रहेगा तो इससे अंदाजा इससे इस मैं इसलिए कर इससे अंदाजा होता है कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है